क्षेत्र हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि दमोह जिला दमोह से चारों विधानसभाओं से हटा विधानसभा की सीट जनता ने भारी मतों से जिताई थी। क्या है जो पार्टी और हमारी सरकार निर्णय लेती है, उचित निर्णय लेती है, कुछ सोच के, हो सकता है हमारे लिए कुछ बड़ा सोचे हों। और क्या, हमें हटा को जिला बनाने का प्रयास करना। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, नवनिर्वाचित विधायिका हटा से उमा देवी खटीक जी। उमा देवी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अच्छी और बेहतर जीत के लिए। अब जीत का सहरा तो बन गया है और जिम्मेदारी फिर से मिली है। क्या अपेक्षाएं हैं अब क्षेत्र की जनता को और ऐसा क्या देने वाले हैं इस बार? देखिए, मैं तीसरी बार निर्वाचित हुई हूँ और जो जनता की अपेक्षाएं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अपने अनुभव के माध्यम से जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरूं और जनता की सेवा करूं, चाहे विकास के माध्यम से और चाहे जनहित ऐसी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का और उसका लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करूंगी। अभी आप भोपाल से लौटे हैं जी, क्षेत्र की जनता को उम्मीद थी कि मंत्री पद लेकर आएंगे और आपकी गाड़ी में लाल बत्ती चल रही है, क्या कारण है वो नहीं लग पाई? नहीं, ये तो आपका कहना सही है कि क्षेत्र हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि दमोह जिला दमोह से चारों विधानसभाओं से हटा विधानसभा की सीट जनता ने भारी मतों से जिताई थी और उनका एकमात्र ये था कि चलो अब अच्छी भारी मतों से हमने जिताया है तो हमें हमारे क्षेत्र को मंत्री पद भी मिलेगा। लेकिन न्याय नहीं हुआ है? नहीं, न्याय और अन्याय की हम बात नहीं करेंगे। क्या है जो पार्टी और हमारी सरकार निर्णय लेती है, उचित निर्णय लेती है, कुछ सोच के, हो सकता है हमारे लिए कुछ बड़ा सोचे हों। और क्या, तो क्या 24 में भी ये जादू चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद रख रहे हैं, जहाँ हमारी लोकसभा में लोकसभा सीट आएंगी और भारत सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो बहुत सी अपेक्षाएं आशाएं हमें अपनी भारत सरकार से भी हैं। हटा के क्षेत्र की जनता को ऐसा क्या काम रह गया है जो अब इस पंचवर्षीय में आप कर देंगे? कुछ वादे? देखिए, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। अब वादे की हम बात करें तो वादे तो ऐसा कुछ नहीं है, जनता खुद जानती है कि जो हमें बिना कहे मिल रहा है, विधायक जी से भी और पार्टी से भी और सरकार से भी, और जो भी काम में कमी बेसी होगी उसको पूरा करने में का प्रयास करूंगी। आप भी हटा से हैं, ऐसी क्या जरूरत है हटा में जो पूरी होना अभी बाकी? वैसे पूछा जाए तो कमी बेसी तो ही बहुत बनी है और उस कमी बेसी को पूरा करने के लिए ऐसे बहुत से विकास कार्य हमारे क्षेत्र में बाकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1956-57 में हमारा हटा जिला माना जाता था, तो हम चाह रहे हैं कि सभी बुद्धिजीवी लोगों से सहयोग लेते हुए हमें हटा को जिला बनाने का प्रयास करना चाहिए और हम उसमें लगे हुए हैं। बड़ा लंबा सोचा है। और दूसरी बात यह है कि जब पन्ना में रेल की पटरी बिछ गई है तो फिर हम दमोह से हटा क्यों नहीं जा सकती, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि हमारा जबलपुर से दमोह, दमोह से हटा होते हुए पन्ना रेल लाइन डल जाए। आप पिछली दो बार भी विधायक रह चुकी हैं, सरकार भी आपकी काफी लंबे अरसे से है, तो ये काम पहले भी तो कर सकती थी आपकी सरकार? देखिए, उस समय ही मैंने प्रयास किया था और हमारा हटा में रेल लाओ अभियान के एक संगठन भी है और उसमें हम जुड़े हुए हैं और उन्हीं के सहयोग से मैं एक बार दिल्ली रेल मंत्रालय पहुंची थी और जो ऑल इंडिया के जो कमिश्नर अधिकारी होते हैं उनसे मैंने मुलाकात की थी और बैठ के चर्चा भी की थी, तो उनने थोड़ा सा हमें ये बताया था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आय हमारे रेल विभाग को होना चाहिए तो वो आय के साधन अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए विलंब, इससे इसीलिए हम लोग घाटे में जा रहे हैं। उनने बताया था कि 14,000 करोड़ का
हम लोगों को घाटा लगेगा, क्योंकि सवारी से कोई हमें फायदा होता नहीं है। हम लोग तो मालगाड़ी जब चलाते हैं पटरियों पर तब कहीं जाके हमें फायदा होता है। अब पटेरा का विकास और हिंडोरिया का विकास हम कराने में सफल हो जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हम चाह रहे कि उस तरफ एक भी कॉलेज नहीं। हाँ, पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था, वो फाइल अभी हमारी मंत्रालय में पड़ी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस समय हमारे शिवराज भैया, तो उन्होंने भी घोषणा की थी। अब शिवराज सरकार में तो आपने खूब बात की, फाइलें भेजी, क्या मोहन जी के शासनकाल में उम्मीदों में पूरी हो जाएगी, फाइलें खुलेंगी? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि वो भी अपनी हमारी उम्मीदों में खरा होते रहेंगे और हम हमारा काम कर, पूरा पूरा भरोसा है उनके ऊपर, जनता का बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्र की जनता ने जो भरोसा उन पर किया है उस पर वो खरे उतरेंगे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। उनके बात व्यवहार से, उनके स्वभाव से वे पूरा पूरा क्षेत्र पर और पूरे प्रदेश पर ध्यान देंगे। तो ये कहना था विधायक जी का कि हमारे जो प्रदेश के नए मुखिया हैं वो सब पर ध्यान दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अब उमा देवी खटीक को भी उम्मीदें हैं कि वो हटा विधानसभा क्षेत्र में भी विकास की नई गंगा बहाएंगे। खैर, अब ये तो समय की गर्त में है कि कितना विकास हो पाता है। इम्तियाज चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह।